दिन भर के सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी पहुंचे कुशीनगर, सांसद व विधायक सहित अन्य अधिकारियों ने किया स्वागत। कोविड 19 रोकथाम व अनलॉक 2 के नियमों के पालन के संबंध में जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ की बैठक। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश के दौरान नाम, पता, मोबाइल नंबर नोट होने के बाद ही मिलेगा प्रवेश। कोविड 19 रोकथाम के संबंध में जिलाधिकारी ने एनेक्सी सभागार में निगरानी समिति के साथ की बैठक। कहा, जागरूकता से ही कर सकते हैं नियंत्रण। असुरन से मेडिकल कॉलेज रोड पर हो रहे फोरलेन निर्माण कार्य में ध्वस्त मकानों के मुआवजे के संबंध में हुई बैठक। आगामी 5 जुलाई को होने वाले बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारी। नोडल मंत्री की देखरेख में होगा बृहद वृक्षारोपण। कोविड 19 संक्रमण के मद्देनजर गोरक्ष पीठाधीश्वर की अपील, घरों में रहकर मनाए गुरु पूर्णिमा। शहर के विभिन्न हॉटस्पॉट क्षेत्रों का जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। लोगों से संक्रमण से बचने की अपील। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस परेड ग्राउंड का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मेरा गोरखपुर ग्रीन गोरखपुर मिशन के तहत बृहद वृक्षारोपण जन जागरण अभियान में लिया हिस्सा। क्षेत्राधिकारी कैंट के निरीक्षण में तिवारीपुर थाना जिले में रहा अव्वल। कलेक्ट्रेट में बने कोविड 19 हेल्प डेस्क व सिटी मजिस्ट्रेट ने किया निरीक्षण, दिया आवश्यक निर्देश। सिटी मॉल के पास बनाए गए हॉटस्पॉट क्षेत्र का एसडीएम सदर ने किया निरीक्षण। लोगों से की अपील, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। राशन वितरण में अनियमितता पर खजनी तहसील के ग्रामीणों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से डीएम को सौंपा ज्ञापन। और कानपुर में शहीद हुए पुलिस के जवानों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि।